sees my own silhouette. Hunu. Oh, give me your new tattoo. Show. It's Hunu's new tattoo. We got it from IKEA. ये हमने अभी स्टोर करके रखा था, इसको दिया नहीं था, नहीं तो सारे गंदे कर देती है. खेलती तो है नहीं इनके साथ, बस दो मिनट उठाएगी, कुछ कुछ लगा देगी और फेंक देगी. खेलती कुछ अजीब चीज़ों से है जो कि मुंह में डाल ले नीचे से उठा के, इस टाइप की. तो ये है आउल, बड़ा क्यूट सा है यार, देखो इसका कोट भी है. सो टाइम हो गए हैं, दोपहर के 2 बज गए हैं. आज है संडे, हैप्पी संडे. और ये है मेरे कल कान पे फोन ही गिर गया था और इतना सूज गया है यहाँ से, जो हड्डी होती है उसके ऊपर से बालों के जस्ट यहाँ पे, अभी दिखा भी नहीं सकती. तो कल फिर मैंने ब्लॉग नहीं किया और ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस एडिट करने की थी. एक हुनर के चैनल पे बिग बाजार की वीडियो जानी थी, 2 मेरे चैनल पे गई और एक ब्लॉग भी एडिट किया. फिर भी काम करती रही और आँखों में पेन हो गया था, मेरे को लग रहा था कोई नस ना दब गई हो, बड़ी पेन थी और सुन सुन सा हो रहा था दिमाग से. तो चलो आज वो सुनपन ख़त्म हो गया है, नहीं तो कई बार ये कान वगैरह ये डेलिकेट चीज़ों पे लग जाए सर की तो प्रॉब्लम भी हो जाती है, नस वगैरह दब जाती. पर आज ठीक है, बट सूजिश बहुत है, दर्द बिल्कुल ही वैसे है. अगर एक दो दिन में नहीं गया तो दिखा लूँगी. अभी चाय बन रही है, आपको दिखाया मैंने, और हुनु की सूजी की खीर बनेगी. मिलते हैं. ये हमारी पोचे वाली, तबीयत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी तो इन्होंने बहुत हेल्प की है. ये लगा के रखे हैं धो के, ये पूरी अलमीरा भर दी है क्योंकि अब हम बर्तन एक भी ऐसे नहीं रख सकते. हमारा क्या होता था, हुन्नू के आ रही हो, हुन्नू के चक्कर में कभी मांझ लिए कभी ऐसे रह गए तो बहुत गंद हो गया था. ये मेरी कढ़ाई पूरी जो हैदराबाद में काम वाली ने लगाई थी और यहाँ पे पुणे में भी लगाई थी, उन्होंने ख़राब कर दी हुई है अच्छे से. ये कोई हट सकता है, कुछ आइडिया दें. विम बार, विम लिक्विड सब यूज़ कर लिया, नहीं हट रहा. कई बार सॉस डालो ना तो हट जाता है. ये देखिए, हाँ जी पोछा लगाना है आपने. ये देखिए यहाँ तक पहुँचा है जला हुआ, तो इतने ही बर्तन आए हैं. अभी ये वाला भी है पर इसमें ऑलरेडी ऐसा सामान है, ये पूरा ऐसे है ना हमारा अलमीरा, दिखा देती हूँ. तो अभी नीचे वाले में क्या है कि एक्स्ट्रा सामान है. ये हमारी चाय गर्म बहुत है, थोड़ी मेरे को देर होगी, उन्नू के साथ लगी थी. और ये है एक ब्रेड बन, जब हम पुणे में थे बहुत खाते थे, मेरे को टेस्टी लगता है. इसमें थोड़े थोड़े वो बच्चों वाले जो फ्रूटी फ्रूटी होते हैं वो भी होते हैं, मीठा होता है एक्चुअली, तो आप कम खाते हैं बट खाई लेते हैं. आजकल तो आइसक्रीम सी इतनी मीठी मीठी खाई जा रहे हैं. तो एक मार को मिल गया, कल इसके पापा रात को लाए थे मार्केट से और एक मैडम जी अब दूसरा ढूंढ रहे हैं. मैडम जी ने पता नहीं कौन सी जगह पे डाल दिया होगा, अभी पता नहीं कहाँ रख दिया था, कहाँ रख दिया आपने बता दो. अभी हमने चटाई डाली है नीचे, नीचे चटाई बिछाई है उस पर बैठे हैं. फाइनली हमको लग रहा है कल तक हमारी काम वाली लग जाएगी. पी लो. ओह वाओ, चाय पी लो. हाँ गर्म गर्म चाय, गर्म गर्म चाय, गर्म गर्म चाय. हाँ बड़ी टेस्टी है, वो नाटक भी कर रही है, नाटक भी कर रही है साथ में. टेस्टी लगी चाय, टेस्टी. इसका खुद का जो खाना है अभी खा चला गया. नहीं तो अभी बाहर जा रहा था. ये भी ले लो. कितने तमाशे करने पड़ते हैं बच्चों के लिए. सो ये कप मैंने होम सेंटर से लिया था और आप सोच रहे हैं नहीं अलग अलग कप्स में पी रहे हैं, बट ये मेरे को बहुत कोशिश की एक ही मिल पाया था, सेल लगी हुई थी वहाँ पे तो एक ही पीस बचा था तो इसलिए सेल लगा दी थी.
अभी इसमें डाल रही हूँ मैं घिया और बना रही हूँ घिये वाली दाल, क्विक बना रही हूँ घिये वाली चने की दाल। थोड़ा ज़्यादा था तो बाकी मैंने रहने दिया है, सारा नहीं डालूंगी नहीं तो घिया घिया ही आएगा दाल में। एकदम थोड़ी सी लाल मिर्ची, चने की दाल भीगी हुई है मेरी, चावल भिगाने हैं। अभी इसको 5 से 6 सीटियां लगा लूंगी। ये तड़का लगाने वाली हूँ मैं, अदरक लहसुन 4-5 छोटी कलियां हैं, प्याज को पतले पतले स्लाइस में काट लिया, टमाटर तो ऑलरेडी आपने देखा डाल चुकी हूँ, डायरेक्ट उसमें भी डाल सकती थी बट मैंने सोचा तड़का एंड में लगा देती हूँ। घी गर्म हो गया है, डाल रही हूँ लहसुन। सबसे पहले लहसुन डालो तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा मैंने कुकर में ऑलरेडी जीरा ये सब मसाले हींग वगैरह डाले हुए थे, तो अभी इसमें डायरेक्ट लहसुन प्याज और अदरक ही फ्राई करूँगी। थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा और इसकी रॉ स्मेल चली जाएगी, तो डाल देंगे प्याज के स्लाइसेस। अदरक भी डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। थोड़ा रायता बना लिया मैंने, इसकी रेसिपी दी हुई है मैंने पिछले किसी व्लॉग में, क्विकली सा बना लिया खीरे का रायता। चने की दाल बन गई हमारी, एक्चुअली मैंने ज़्यादा देर डिप नहीं की थी, मुझे आइडिया नहीं था मैं ये बनाने वाली हूँ। हमारा संडे को था प्लान चिकन, बट लेट उठे थे तो कौन लाता, ये तो सुबह 7 बजे सोए थे, घर का बहुत काम था क्योंकि हमें काम वाली लगानी है, तो उससे पहले एक बार घर क्लीन होना चाहिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गई, तड़का डालने के बाद मैंने 2-3 सीटियाँ और लगाई हैं इसको। यहाँ बन गए चावल, चलो खाना खा लेते हैं। ये बन गए हमारे चावल, ये हमारा दही रायता और ये बनी है चने की दाल। अभी घर की चल रही ऑर्गेनाइजेशन, ये लाए थे 5 किलो हम प्याज, तो वो कर रही थी कोई ख़राब ना हो, फिल्टर आउट कर रही थी, 2 ही निकले, ख़राब भी नहीं है, वो ऐसे हैं कि अभी अभी यूज़ कर लो, बाकी सारे बढ़िया निकले, तो ऐसे पड़े पड़े फिर बाकी भी हो जाते हैं, तो आधे इसमें डाले। ये मेरा 3 टायर रैक है, वो इसमें डाले, ये बिग बाज़ार से लिया था हैदराबाद के, बता दूंगी हॉल वीडियो में सब कुछ इसके बारे में। और थोड़ा सा मैंने डाला बास्केट में, ये बास्केट में डाला, नीचे लगाए हैं नैपकिन क्योंकि पूरा घर ख़राब हो जाता है और वैसे भी मेरा ख़राब ही रहता है आजकल। इधर बिटिया रानी आ गई है नहा के, बड़े मज़े किए बकेट शकेट में इसने, अभी हो रही है क्लीन मत करो, उसके पापा भी नहा लिए आज, इन्होंने नहलाई है। क्या कर रही हो? और दम खानी है तेरे में, जांच करानी है। ये शूर एक्स होते हैं, आपके वॉल पे लग सकते हैं तो स्पेस सेव हो सकती है। देखो ना
इतना स्पेस है। पहले हम सोच रहे थे लगवाने के ये, बट हमारा परमानेंट हाउस नहीं है। आई थिंक चार तक, इतने तक के ना, 3 to 4 लेयर तक के 4000 के होते हैं। होते कॉस्टली हैं, आयरन में होते हैं या टिन में होते हैं, कुछ तो होता है। साइड पोस्ट दिखाना, इतने से भी हो जाता है। हाँ काफ़ी। कितना आता है? 3-4 कैसे खोला, कितने आते हैं दिखाओ ना। ये बिग बाज़ार के बाहर खड़े हम, एक में मतलब 2 जेंट्स के शूज आ जाएंगे। ओ टेंटेंट हैं, ये है हमारी शॉपिंग। घर का कुछ मेकओवर करना है तो ये सब लिया, ऑफर चल रहा था मस्त धांसू। तो ये वाली बास्केट, इसमें है उन्नू के कपड़े। आएंगे शॉपिंग हॉल, इंतज़ार कीजिएगा। अभी चलते हैं घर, खाना बना ही हुआ है मेरा। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hi guys, so अभी पहुंच चुके हैं घर और अभी खाने वाले हैं खाना। वो दाल जो बनी थी घी वाली, वही खाने वाले हैं। ज़्यादा बनाती हूँ मैं वो वाली भी, राजमा की तरह स्वाद लगती है। हमारे हिमाचल में इसके साथ खट्टा भी बनता है, जैसे मैंने आपको धाम बताई हुई है। छिड़क दो इसमें, साथ में थोड़ा सा प्याज काट लिया है। बहुत भूख लग रही है, उन्नू बेबी सो गया है, तो खा लेते हैं खाना। उसके बाद थोड़ा सा और काम करना है घर का। चलिए, नाम ही हो गया उन्नू बेबी। हाँ तो चलिए, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, और हुन्नू के चैनल की वीडियोस को भी देखें। और जिसने हुन्नू के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बिग बाज़ार की वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आई, तो ऐसे ही नई नई सेल्स जब भी लगती रहेंगी तो मैं आपको बताती रहूँगी। और काफ़ी सारी शॉपिंग की है, अभी उसको भी सेट करना है कहाँ कहाँ रखना है, और आपको बताऊँगी क्या क्या लिया है। तो बाय बाय एंड टेक केयर। खाना खा लेती हूँ मैं।